आइए आगे बढ़ते हैं। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनी की नीला विद्युति झलकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी, दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया, उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। इस पैराग्राफ में लेखिका ने वर्णन किया है कि मोर जो था वह किस प्रकार बढ़ने लगा और उसका परिवर्तन छोटे बच्चे से बड़े मोर में या वयस्क मोर में किस प्रकार होने लगा। तो वे लिखती हैं कि उसके सर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई थी, उसकी चोंच अधिक बंकिम, बंकिम यानी होता है घुमावदार और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनी की नीला विद्युति झलकने लगी, यानी उसकी गोल आंखों में इंद्रनी यानी होता है नीलम या सफायर, उसकी नीली रंग की जो चमक होती है वह दिखाई देने लगी, झलकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा यानी उसकी नीली और हरे रंग की गर्दन की हर आकृति में, भंगिमा मतलब होता है हर स्थिति में, धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी, यानी धूप और छाया जब पड़ती थी तो अलग अलग रंग दिखाई देते थे, दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, दक्षिण मतलब दाया और वाम मतलब बाया, तो बाया और दाया दोनों तरफ के जो उसके पंख थे उस पर क्या होता था, उसके दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद रंग के आलेखन यानी डिजाइन दिखाई देने लगे, जैसे कि आपको पता है मोर के पंखों में किस तरह का डिजाइन होता है, उसी तरह का डिजाइन लेखिका के मोर के पंखों में दिखाई देने लगा, उसकी पूंछ लंबी हो गई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे, मोर की पूंछ भी लंबी हो गई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, मतलब चंद्रिका मतलब जो चांद जैसा डिजाइन उसके पंख पे बना रहता है और वो जिस तरह के रंगों का होता है आप सबने देखा है मोर, और आपको पता है मोर के जो पंख होते हैं उनका रंग कैसा होता है, तो वैसे डिजाइन उसकी पूंछ में भी दिखाई देने लगे, रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। अब लेखिका क्या कहती है कि उसके पैरों में कोई ऐसा विशेष रंग नहीं था, मोर के पैर जो होते हैं वो उतने सुंदर नहीं होते जितना सुंदर मोर खुद होता है, इसलिए लेखिका ने लिखा है कि उसके जो पैर थे उनमें तो कोई सुंदर रंग नहीं था, लेकिन वो जब गर्व के साथ चलता था, गर्वीली गति यानी गर्व के साथ जब वो चलता था, गति यानी उसका चलना, तो उससे क्या होता था कि एक नई गरिमा से उसके पैर रंजित हो जाते थे, यानी वो इतने ज्यादा गरिमामयी तरीके से चलता था या इतने ज्यादा सुंदर तरीके से चलता था कि उसके पैर बिना किसी रंग के होते हुए भी अपने गर्व के रंग से ही सुंदर तरीके से रंजित या रंग जाते थे। फिर आगे क्या लिखा है, उसकी गर्दन ऊंची करके देखना। अब यहाँ पर उन्होंने मोर की अलग अलग भंगिमाओं के बारे में हमें बताया है या मोर की अलग अलग स्थितियों के बारे में या पोजेस के बारे में बताया है कि वो कैसे देखता था, वह गर्दन ऊंची करके देखता था और एक विशेष प्रकार के पोज के साथ या विशेष प्रकार की एक स्थिति बनाकर वो क्या करता था, अपनी गर्दन को नीचा करके दाना खाता था, पानी पीता था और कभी कोई बात सुननी होती थी तो अपने गर्दन को टेढ़ा करके सुनता था। तो इन सब क्रियाओं में जो सुकुमारता यानी जो कोमलता और सौंदर्य मतलब सुंदरता थी उसका अनुभव केवल देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, यानी इसकी जो ये जो सारी क्रियाएं होती थी उसके चित्र का कोई आकलन
कर ही नहीं सकता, आप उसको देख कर ही महसूस कर सकते हैं। तो इतनी सारी जो ये भंगिमाएं बताई हैं, ये सिर्फ वो अपनी गर्दन से करता था। आगे, मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कल की पंखों की शाम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो अब पहले पैराग्राफ में हमने देखा था कि मोर का विकास किस तरह से हुआ, अब इस पैराग्राफ में लेखिका ने यही बताया है कि मोरनी का विकास कैसे हुआ। तो लेखिका लिखती है कि मोर का विकास तो बहुत सुंदर तरीके से हुआ, मोर तो अपने पूर्ण सौंदर्य को प्राप्त हो गया, लेकिन मोरनी उतनी सुंदर होती नहीं जितना सुंदर की मोर होता है। मोर और मोरनी के जोड़े की विशेषता यही है कि मोर अधिक सुंदर होता है और मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती जितना सुंदर मोर होता है। इसलिए मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, यानी मोर जो था जिस तरह वो छोटे से तीतर के बच्चे जैसा दिखता था शुरुआत में, और उस छोटे से तीतर के बच्चे की तरह दिखने से बढ़ते हुए वह सुंदर रूप को प्राप्त हो गया या बहुत सुंदर हो गया, लेकिन मोरनी जो थी वो उतनी सुंदर तो नहीं हुई जितना सुंदर मोर था, यानी उसके विकास में कोई ऐसा चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, यानी उसकी गर्दन भी मोर की तरह ही थी लंबी, और उसमें जो रंग थे वो धूप और छाया में अलग अलग दिखाई देते थे, और हवा में चंचल कलगी, यानी उसकी कलगी जो थी वो हवा पड़ने पर हिलती थी जैसे मोर की हिलती है, और इसी तरह मोरनी के पंखों में क्या था, श्याम श्वेत पत्र लेखा, यानी श्याम मतलब होता है काला और श्वेत मतलब होता है सफेद, और पत्र लेखा यानी होता है पत्र, यानी कि पत्र में की जाने वाली जो लिखाई है सफेद पत्र में, जिस तरह काले पेन से हम लिखते हैं तो उसके जो पंख थे उसके पंखों में उस तरह का श्याम श्वेत सा एक डिजाइन, श्याम श्वेत यानी काला सफेद सा एक डिजाइन बन गया, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। और अपनी मंथर गति यानी अपनी जो धीमी धीमी गति से वह चलती थी, तो उन सब से उसने यह साबित कर दिया या यह प्रमाणित कर दिया कि वह मोर के लिए उपयुक्त सहचारिणी है। सहचारिणी मतलब सह मतलब होता है साथ, और चारिणी मतलब होता है चलने वाली, तो सहचारिणी मतलब हो गया कि मोर की उपयुक्त साथी या मोर के साथ चलने के लिए एकदम उपयुक्त संगिनी वो है, ऐसा उसने प्रमाणित कर दिया अपने विकास के अनुसार। फिर आगे लिखा है कि क्योंकि मोर की जो गर्दन थी उसमें कैसी आभा थी या उसमें कैसा प्रकाश था, नीलाभ यानी नीलम के जैसा, नीलम जो होता है वो एक मणि होती है जो कि नीले रंग की होती है, तो उसकी नीली आभा होती है, तो उस नीले रंग की आभा या नीले रंग की चमक के कारण मोर का नाम तो रखा गया नीलकंठ। नील मतलब होता है नीला और कंठ मतलब होता है गला, तो यानी क्योंकि मोर का गला जो था वो कैसा था, नीलम के पत्थर से निकलने वाली नीली आभा के समान था या नीले रंग की सुंदर आभा के समान था, इसलिए मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। और मोरनी जो थी वो सदैव उसके साथ साथ रहती थी, जहां मोर जाता था उसकी छाया की तरह उसके साथ साथ चलती थी, इसलिए मोर